गुरुकुल संकल्पना, जैसा कि आचार्य जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई पहले ही, और इसके बाद हमारे ऋषिराज पाठक जी ने और आचार्य जी ने, उपेंद्र जी ने बहुत सारी चीज़ों को पहले ही बता दिया है, उसमें मैं कुछ ही चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि हमारे इस परिदृश्य में गुरुकुल की संकल्पना की आवश्यकता कहाँ है, क्यों है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक भारत में या पूरे विश्व में कुछ ही तरह की शिक्षा पद्धतियां हैं जो सफल रही हैं। पहली शिक्षा पद्धति जिसे हम अपने भारत में लागू कर चुके हैं वह है पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, से आप मोटे तौर पे यूरोपियन शिक्षा पद्धति भी कह सकते हैं, और इसके बारे में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके गुणों से भी अच्छी तरह से परिचित हैं और इसके दोषों से भी अच्छी तरह परिचित हैं, दोषों को भुगत रहे हैं और गुणों का लाभ भी ले रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ शिक्षा व्यवस्थाएं हैं जो अपने आप में पूरी तरह सफल रही हैं। तो यूरोपियन शिक्षा पद्धति के अलावा अगर आप देखें तो जापानियों की अपनी एक स्वयं की शिक्षा पद्धति है, वो यूरोपियन शिक्षा पद्धति का बिल्कुल भी अनुकरण नहीं करते हैं। और अगर आप देखने जाएं तो जापान में जितने अधिक विज्ञानी, जितने अधिक टेक्नोक्रेट, हर एक विधा के लोग निकल कर आ रहे हैं, वह पूरी यूरोपियन शिक्षा पद्धति के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। वो सोचते थे कि शायद हमारी शिक्षा पद्धति एकमात्र शिक्षा पद्धति है जो विद्वानों को या टेक्नोक्रेट को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी नैसर्गिक, अपनी पारंपरिक शिक्षा पद्धति को इतना अपग्रेड किया, इतना बढ़िया बनाया कि आज वो पूरे विश्व को चुनौती देने में सक्षम है, अपने सिर्फ टेक्नोक्रेट और अपने विज्ञानियों के बल पर। हर दो साल बाद कोई ना कोई नोबेल पुरस्कार, विज्ञान का हो चाहे फिर किसी और विषय का हो, वो किसी न किसी जापानी के हाथ चला जाता है। क्यों? जापान से तो उनकी बहुत अच्छी पड़ती भी नहीं थी, दुश्मन था, फिर भी उसको मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी स्वीकार्यता है, उसकी स्वीकृति है। तीसरी शिक्षा पद्धति जिसको अभी कुछ ही दिनों में मान्यता मिली है और वह बहुत तेज़ी से फल फूल रही है, वो है चीन की पद्धति। चीन ने भी अपनी पुरानी परंपरा को ज्यों का त्यों रखा और उसी को आधुनिक फ्रेम में ढाल करके उन्होंने अपनी नई शिक्षा नीति बनाई, शिक्षा पद्धति बनाई, और जिसके कारण आज अगर आप किसी भी विषय में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चीन सर्वोपरि बनकर उभर रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा पद्धति रही है। और चौथी शिक्षा पद्धति रही है हम भारतीयों की, जो धीरे धीरे शनै शनै मरती जा रही है। मैं जानता हूँ ऐसा कई बार हुआ है जब हमारी शिक्षा पद्धति मरते मरते फिर से पुनर्जीवित हो उठी पुनर्नवा की तरह, लेकिन उसी शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। वह शिक्षा पद्धति कोई और नहीं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जिसने अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति को कम से कम 20,000 साल पुराना माने तो अभी 200 साल पहले तक यह शिक्षा पद्धति पूरी तरह से महान आत्माओं को, महान विज्ञानियों को, महान गणितज्ञों को, महान आचार्यों को, महान कलाविदों को पता नहीं क्या क्या उत्पन्न कर रही थी, और सारा विश्व चमत्कृत था। लेकिन 200 साल पहले पता नहीं क्या हुआ कि हमारी शिक्षा पद्धति को किसी की नज़र लग गई, या उसे षड्यंत्र के अंतर्गत नष्ट कर दिया गया या प्रयास किया गया। अब वो शिक्षा पद्धति हमारे लोग ही अपनाने नहीं चाह रहे हैं, उसी शिक्षा पद्धति को हम पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये आपको बताना चाहेंगे कि इस शिक्षा पद्धति की जड़ कहाँ है, इसका मूल कहाँ है, इसका उद्गम कहाँ है। तो हम इसके लिए आते हैं अपने मंदिरों पर। हमारा सारा शिक्षण, हमारा सारा प्रशिक्षण, हमारे सारे संस्कार के कोई और नहीं है, हमारे मंदिर हैं। उन मंदिरों को पुनर्जागृत कीजिए, उन मंदिरों से ही वह अजस्र धाराएं फूटेंगी जो जा करके कभी न कभी एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण करेंगे, जिसमें महान बुद्धिजीवी, महान कलाविद, महान ज्ञानी और महान व्यापारी उत्पन्न होंगे जो विश्व को एक नई दिशा दे सकेंगे। तो इन मंदिरों को चलाने के लिए, इन मंदिरों को स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा उन सभी लोगों से जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, चाहे वह विद्या का क्षेत्र हो, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो, जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वह उन मंदिरों पर जाएं और वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत
थोड़ा सा ही समय निकाल करके अपने नए नौनिहालों को वह शिक्षा दें। और यह शिक्षा, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, जरूरी नहीं है इसका शुल्क रुपये के रूप में हो, इसका शुल्क श्रमदान के रूप में हो सकता है। इससे क्या हो, वैसे सामाजिक समरसता बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा समाज पूरी तरह से मजबूत होगा और मुफ्त में शिक्षा मिल जाएगी। आप किंडरगार्टन भेजते हैं, कितना कितना पैसा लगाते हैं, वहाँ पर मिलता क्या है? कुछ नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आप भेजते हैं क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं, भेजिए वहाँ पर, देखिए। दूसरा इसका लाभ यह है कि मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं होता है, वह सिर्फ पूजा स्थान नहीं होता है, वह समाज का केंद्र है जहाँ से ऊर्जा चारों तरफ फैलती है। मंदिर का मतलब ही होता है जहाँ पर मन के जो विचार द्वलन है वो शांत हो जाए। मंदिर जिसे मंदिर बनता है, उस तरह मंदिर बनता है। तो ये मंदिर हमारे संस्कार के केंद्र है, जैसा कि अभी आचार्य जी ने संस्कारशाला के बारे में बात की, मंदिर हमारे संस्कार केंद्र है और वही हमारे विद्यालय हैं। तो हमारी प्राथमिक शिक्षाएं, जिसको हम किंडरगार्टन कह सकते हैं या केजी कह सकते हैं आज के शब्दों में, वह हमारे मंदिर हैं। दूसरा हम आते हैं उच्च शिक्षा के लिए। तो उच्च शिक्षा के लिए हमारे गुरुकुल हैं। आप याद कीजिए कि आज से बहुत हजार साल पहले जब महाभारत हुआ करता था या महाभारत का काल हुआ करता था, उस समय आचार्य द्रोण ने एक गुरुकुल स्थापित किया था। उस गुरुकुल में उन्होंने न अर्जुन को कोई डिग्री दी थी और न जो है किसी भीम को कोई डिग्री दी थी, न किसी दुर्योधन कोई डिग्री दी थी। उन्होंने क्या किया था, शायद आपने पढ़ा हो और आपको याद हो, उन्होंने पूरी जनता को आमंत्रित किया, दूर दूर देश के आचार्यों को आमंत्रित किया कि आप देखिए, आप निर्णय कीजिए कि हमारे छात्रों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है और इसका वो क्या उपयोग करेंगे, उनकी नीतियाँ क्या हैं, उनके विचार क्या हैं। उन्होंने बंद शिक्षा या बंद कमरे की शिक्षा छोड़ करके एकदम खुली शिक्षा दी कि आओ, जिसको परखना है, जिसको देखना है हमारे छात्रों की प्रतिभा को, वो खुले मैदान में रंगमंच पर आए और प्रतिभा का अपने ढंग से मूल्यांकन करें, जैसे चाहे वैसे मूल्यांकन, इसके बाद फिर जो करना है करें। और यही हुआ, वहाँ पर उन्होंने अपने अपने सभी शिष्यों को कौशल के जितने भी उन्होंने उपाय बताए थे सब उन्होंने दिखाए। और वहीं पर कर्ण भी आता है, वह खुली प्रतियोगिता थी, आज की तरह नहीं है कि आप कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे, परीक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि उसके पास जो है कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपके यहाँ का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो खुली प्रतियोगिता थी। और जनता ने देखा, जनता ने सराहा, और किसे युवराज माना जाए जनता ने अपना युवराज चुन लिया, किसे सर्वश्रेष्ठ निर्णय माना जाए जनता ने स्वयं चुन लिया, किसी के सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर अंकों की प्रतियोगिता खत्म हो, बंद कमरे के अंदर भाग्य लिखा जाता है, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारी शिक्षा वट वृक्ष के नीचे हो, जहाँ पर गांव का या जिसका भी अभिभावक है कोई भी व्यक्ति आए और उसे देखे, समझे कि वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है। कोई गोपनीय शिक्षा नहीं हो रही है, वह बिल्कुल मुक्त शिक्षा हो रही है और प्रकृति के सानिध्य में हो रही है। हमारी शिक्षा किसी कंक्रीट के डब्बे में नहीं होगी, हमारी शिक्षा वट वृक्ष के नीचे होगी, हमारी शिक्षा उन पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों की चहचहाट को सुनते हुए होगी, वो आसपास कीड़ों के झंझनाहट को और प्रकृति के अंदर बहते हुए समीरण के एहसास के साथ होगी, न कि जो है आपके एसी के साथ होगी। तो इसी पद्धति को लागू करने के लिए, इसी पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और यह सत्र अभी समाप्त होने जा रहा है, इस पर हम सप्तर्षिकुल में अधिक से अधिक चर्चा करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपके विचार भी पूरी तरह से आमंत्रित हैं, यदि दोष हो तो उनकी भी विवेचना कीजिए, यदि गुण हो तो उनकी प्रशंसा कीजिए मुक्त कर्म से। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से आग्रह करूँगा कि सभा का विसर्जन किया जाए और स्वल्पाहार ग्रहण करें। धन्यवाद।